चलिए बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां लखीमपुर खीरी में बिना रजिस्ट्रेशन के कई अस्पताल चल रहे हैं। ताजा मामला निघासन थाने के अशोक नगर से सामने आया, जहां एक घर के भीतर अस्पताल चल रहा है, जहां डिलीवरी के एक नवजात की मौत हो गई है। पीड़ित राम नरेश ने आरोप लगाया और बताया कि गांव की आशा रीता शुक्ला ने ही उसको इस अस्पताल की जानकारी दी थी। जब बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों और नर्स से पीड़ित ने बात की तो स्टाफ ने उसे डरा धमका कर भगा दिया। मामले में परिवार वालों ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। हमारी वो कहने लगी थी वहाँ, मतलब हम लोग ले जाते हैं वहाँ नॉर्मल डिलीवरी बढ़िया तो होती क्या है। पीतमपुरा में हॉस्पिटल हाँ। घर में है या हॉस्पिटल है? नहीं घर है, ऐसे घर घर में ले गए थे वहाँ, पूरी गारंटी लेना है कि हो जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग, मम्मी थी हमसे, तो वहाँ अंदर को मतलब किसी को जाने नहीं दिया, आशा थी मतलब वो थी। तो क्या बच्चा एक्सपायर हो गया? हाँ, उसके बाद दवा किए हैं, उसी से कुछ दिक्कत हुई है तो बच्चा एक्सपायर हुआ। हाँ, मुझे इसकी शिकायत आई है कि यहीं तो पीतमपुरवा में ऐसा हुआ, मैं इसको पटना को देखूँगा तो देखो पर जो दवाई की। अच्छा, कब शिकायत आई थी सर इसकी? इसकी आज अभी आई शाम को 5 बजे के आसपास। तो क्या कार्रवाई कुछ अभी इसको मैं टीम भेज के इसकी जाँच करूँगा।